हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स। अब सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स क्या होता है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या होता है ऑपरेटर? अब देखिए, मैंने बोला ए प्लस बी, तो आपको पता है अगर ए की वैल्यू मैं 2 दे देता हूँ, सिमिलरली बी की वैल्यू मैं 1 दे देता हूँ, तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में एडिशन होगा और आंसर विल बी 3। दैट मीन्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 1 आपको दिख रहा है, ये कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जिसके वजह से हमें ये चीज पता लग पा रही है कि इनके बीच में ऑपरेशन हुआ है और आंसर आ गया 3। दैट मींस ए एंड बी, इनको बोलेंगे हम लोग ऑपरेंड। आई रिपीट, इनको हम बोलेंगे ऑपरेंड। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये जो 2 आपको दिख रहा है, ये 2 और 1 दोनों ऑपरेंड है, और ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर एक रुकिए। हाँ ये है ऑपरेटर, ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसकी जगह एक और एग्जांपल ले लूँ, मैं कहता हूँ 4 माइनस 2, तो नमन आंसर क्या आएगा? ये आएगा 2। ठीक है, इसके मतलब इसके बीच में माइनस का ऑपरेशन हो गया है, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो हम देखने वाले हैं वो ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। ठीक है, और ये ऑपरेटर कैसे काम करता है, क्या करेगा, वो हम आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या होता है, हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर कई तरह के ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, अब उन ऑपरेटर्स में से आपको जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो आपको सामने टेबल में दिख रहे हैं, जो आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि यहाँ पे प्लस सिंगल ऑपरेटर है, इसे बोलते हैं एडिशन। अब क्योंकि सिंगल प्लस है तो इसे बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब होता है 1। ठीक है, ठीक है। एंड इन द सेम मैनर अगर मैं बात करूं माइनस की, तो देखो सिंगल माइनस है तो यूनरी माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन देखो तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन इसको डिवीजन बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिमाइंडर। आपको पता ही है, मैं सिखा चुका हूँ रिमाइंडर क्या होता है। अगर मैंने बोला लेट से 7 को डिवाइड करना है 2 से, तो मैंने लिखा 2 3 6, तो आंसर क्या है? 1। इसका मतलब जो रिमाइंडर है ये कहलाता है मोड। ठीक है, जो रिमाइंडर होता है ये इसका आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं डिवीजन कर रहा हूँ तो डिवीजन का आंसर ये है। ठीक है, क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। ये तो रहे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को होमवर्क दिया करता था तो आपको ये बात पता चल जाती थी कि किससे क्या होने वाला, यानी कौन सा ऑपरेटर क्या परफॉर्म करेगा। अब आप यहाँ देखिए, ये रहा आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, आपका दोस्त। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और ये है आपकी हेडर फाइल। आप देख पा रहे हैं डॉट एच है यहाँ पे, तो इसका मतलब डॉट एच मतलब क्या हो जाता है कि ये हेडर फाइल है। ठीक है, हेडर फाइल, ये हेडर फाइल है, डॉट एच से जो शुरू होती है। क्लियर, इसका मतलब ये है कि ये प्रिंट एफ आप देख रहे हो, इंटीजर देख रहे हो, मेन देख रहे हो, रिटर्न देख रहे हो, ये सबकी डेफिनेशन है इसके अंदर, इसलिए इसे बोलते हैं हेडर फाइल, फाइल बोल रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इन्होंने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं। कौन कौन से वेरिएबल लिए हैं? ए बी एंड सी, 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। किस टाइप के हैं तीनों के तीनों? इंटीजर टाइप के हैं। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी रैम है, अगर मैं इसे बोलूँ ये रैम, तो रैम के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इस मेमोरी के अंदर रैंडमली इन्होंने ये इतनी सारी ब्लैंक स्पेसेस हैं, उन ब्लैंक स्पेसेस पे इन्होंने यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये रैंडमली इन्होंने जगह ऑक्यूपाई कर ली। वेरेज यहाँ पे अगर मैं ए की बात करूँ तो ए में इसने वैल्यू रखी है 9। इफ आई टॉक अबाउट बी, तो बी के अंदर इन्होंने वैल्यू रखी है 4। ठीक है, और सी वैल्यू को इन्होंने खाली रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे एक्स लगा देता हूँ, एक्स वेरिएबल एक्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में जो भी ऑपरेशन होगा इन वैल्यूज में, दैट विल बी परफॉर्म्ड, वॉट एवर ऑपरेशन विल बी गिवन, एंड आफ्टर गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट वी विल गेट दैट रिजल्ट इन दिस एरिया। दैट मीन्स दिस एरिया इज सी। ये एक तरीके से वही है जहां पे आप लोगों का घर है। घर मतलब एड्रेस, यानी कि इसमें एड्रेस पड़ा हुआ है और इस एड्रेस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है ए की वैल्यू 9 है,
नाइन मतलब आप अपने आप को मान लीजिए, ये ए अपने आप को मान के चलिए कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। सिमिलरली बी को देखिए, बी में अंकित रह रहा है या कोई राहुल रह रहा है। सिमिलरली सी का पूछ रहे हैं कि अगर ये ए और बी को मिल जाएंगे तो ये कौन से एड्रेस में जाएंगे, ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन हो रहा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमें साफ साफ पता है कि ये प्लस मतलब है एडिशन, दैट मीन्स ये एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। जब एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो हमें साफ साफ पता चल रहा है ए प्लस बी इक्वल टू परसेंट डी, ये मैंने बताया हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ से परसेंट डी देखते मुझे पता चल गया कि इसका मतलब कहीं ना कहीं वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर वैल्यू आ गया। मगर कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी है मुझे, मुझे सी करानी है, तो मैंने सी को लिख दिया यहाँ पे, तो सी का रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली मैंने माइनस डाला तो माइनस का आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन डाला तो मल्टीप्लीकेशन का आ जाएगा, डिवीजन का डाला तो डिवीजन का आ जाएगा, और ये मोड का डाला तो ये मोड का भी आ जाएगा। और जब इनको प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा, जो हमारा इंटरप्रेटर है वो सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढेगा। क्यों ढूंढेगा, बिकॉज मेन फंक्शन इज जस्ट लाइक अ गेटवे टू दिस प्रोग्राम, यानी गेटवे ऑफ इंडिया होता ना, तो उसी तरीके से ये भी गेटवे एक प्रोग्राम के लिए है। इसको जैसे ही प्रोग्राम मेन फंक्शन मिला, इट विल स्टार्ट गोइंग डाउन टू दिस प्रोग्राम, ये इस प्रोग्राम के डाउन में जाना शुरू कर देगा। किस तरह से शुरू करेगा, सबसे पहले देखेगा वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल देखते इसने यहाँ पे मेमोरी ऑक्यूपाई कर दी, तीन वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के हैं दो, है ना, ये तीन वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं, तो टोटल कितने बाइट इकट्ठा कर रहे हैं, 6 बाइट इन्होंने इकट्ठा कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने इनके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करवा दिए, ये रहे इनके स्पेसिफिक ऑपरेशंस, ऑपरेशन परफॉर्म करवाए तो हमें क्या आंसर मिला, हमें मिला इसका आउटपुट, और वो रहा ये रहा आउटपुट। क्यों, क्योंकि 9 + 4 हमें वैल्यू साफ साफ दे रखी है, और जब आप इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट सच काइंड ऑफ एक्शंस। अब देखो आप यहाँ पे भी देख लो एक बार, मैं यहीं से दिखा देता हूँ आपको, ए की वैल्यू दे रखी है 9, बी की दे रखी है 4। सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन, 9 + 4 कितना होता है 13, तो 13 आ गया। 13 9 - 5 होता है 4, और 9 - 5 आ गया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 × 4 = 36, डिवाइड कर रहे हैं 9 में से 2 4 को, तो इसका आंसर 2 कैसे आ रहा है, इसे भी देख लो आप, ये रहा 9, ये रहा 4। हमें पता है 4 × 2 का कितना होता है 8, तो ये आ गया 1। तो ये मैंने पहले बताया था डिवीजन में ये क्वेश्चन था आंसर, और अगर रिमाइंडर है तो रिमाइंडर में क्या होता है 1 आएगा, तो ये देखो ये रहा 1 इसके लिए, ये इसके लिए 1 है और ये इसके लिए 2 है, ये आंसर आ गया। दिस इज हाउ द प्रोग्राम विल स्टार्ट वर्किंग। तो ये तो रहा प्रोग्राम, सिंपल वाला प्रोग्राम ऑपरेटर के बारे में जो हम लोगों ने देखा। अब हम चलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, कि कैसे काम करते हैं, हम लोग इसको भी देखेंगे। ठीक है, होता क्या है देखिए, यहाँ इसका इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम i इक्वल टू i माइनस 1 करेंगे। ठीक है, अब कैसे होगा इसे भी समझ लीजिए। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि i प्लस 1 एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये इंक्रीमेंट है और यहाँ पे डिक्रीमेंट है। अब देखो कैसे, लेट से मैंने कह दिया कि i की वैल्यू है 5। ठीक है, तो उसने कहा नेक्स्ट प्रोग्राम में कि भाई i प्लस प्लस हो रहा है। आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है आप यहाँ पे आई की जगह लिख दीजिए 5, और प्लस 1 तो पहले से ही है, तो हमें पता है कि 5 + 1 कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब 6 हो चुकी है। यानी कि जो पहले आई की वैल्यू 5 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 6 हो चुकी है। सिमिलरली अगर आई माइनस माइनस है और आई की वैल्यू 5 है, तो हमें पता है कि 5 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो आंसर आएगा 4, यानी कि जो आई की वैल्यू पहले 5 थी अब आई की वैल्यू हो गई है 4। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ सभी को। अगर जिनको समझ में नहीं आई तो नो सर, नहीं है, आगे बढ़े। अब इस प्रोग्राम को देखिएगा, इस प्रोग्राम से आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने भी लेट क्लास ज्वाइन करी है उनको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्रोग्राम बनता है। अब देखिए, इधर आप देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है ए, जिसकी वैल्यू है 10, बी है उसकी वैल्यू है 100। सिमिलरली फ्लोट है, फ्लोट मतलब ऐसी वैल्यू जो डेसिमल्स होता है इसके अंदर, ये हो गया सी की वैल्यू 10.5 और डी की वैल्यू होगी 100.5। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा किसी को डाउट होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ वेरिएबल्स है, यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, राइट। अब आप
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है प्लस प्लस ए माइनस माइनस बी प्लस प्लस सी माइनस माइनस डी, और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं देखूंगा कि ए क्या है, यहाँ पे लिखा ना ए एक वेरिएबल है, कैसा इंटीजर टाइप का, इसलिए यहाँ पे परसेंट डी। बी लिखा माइनस माइनस बी, बी कैसा इंटीजर टाइप का है, इसलिए परसेंट डी। यहाँ पे सी और डी ये फ्लोट टाइप के आपको दिख रहा हो, इसलिए यहाँ पे परसेंट टाइप यूज किया है, और उनके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है यानी कौन सा वेरिएबल है उनका नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में साफ साफ, यानी कि हम उसमें प्लस प्लस ए कर रहे हैं, उसमें माइनस माइनस बी कर रहे हैं, उसमें प्लस प्लस सी कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। और सिमिलरली जो नीचे लिखा हुआ है इसे बोलेंगे प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। ये आपको दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि प्री का मतलब हो गया कि जब भी कोई साइन किसी अल्फाबेट के आगे आएगा तो प्री कहलाएगा, अगर बाद में कहलाएगा, बाद में आएगा तो उसे बोलेंगे पोस्ट, प्री की जगह यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, और डिक्रीमेंट है तो माइनस माइनस लगा देंगे, ये बात समझ में आ गई होगी मुझे चल ऐसा लग रहा है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस ए है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ए के साथ प्लस वन कर दो। अब ए की वैल्यू क्या है स्क्रीन में देखिए, ए की वैल्यू है 10, यानी कि मैं 10 के साथ ए की वैल्यू को डाल दूंगा तो ये बन जाएगा 11, तो ए की वैल्यू हो जानी चाहिए 11, तो 11 यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। देखिए अब आप खुद देखिए अपने आंखों से, क्या ये 11 हो गया, हो गया ना? Yes, sir. सिमिलरली अब हम बात करेंगे दूसरे वाली वैल्यू की, दूसरी वाली वैल्यू क्या कह रही है, माइनस माइनस बी, माइनस माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ है 100, यानी कि यहाँ पे कह रहा है ये माइनस माइनस बी, और हमें पता है माइनस माइनस बी मतलब क्या होता है, बी की को एक से वैल्यू घटा दो, तो बी की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, हमें बी की वैल्यू दिख रही है 100, और 100 में से हमें एक घटाना है, तो 100 में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा 99, तो इसका मतलब हमारी जो बी की वैल्यू है ये 99 आनी चाहिए। चलो इसे भी देख लेते हैं हम लोग, यस 99। अब नेक्स्ट वैल्यू को देख लेते हैं, नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या कह रही है, इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं आप लोगों के लिए, ये है प्लस प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है 10.5, तो सी प्लस प्लस ये है, इसका मतलब सी प्लस वन, सी की वैल्यू क्या है 10.5 प्लस वन, और हमें पता है अगर मैं इसको ऐड करूंगा 10.5 को तो मैं 1 का लिखूंगा, यहाँ पे 0.5 पे लिखूंगा और 0 पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1.0, एक तरीके से वो ये वैल्यू हो रही है, तो 5 का 5 एज इट इज लिख दिया मैंने, डॉट का डॉट एज इट इज, और 0 प्लस 1 कितना होता है 1, और 1 क्या होता है 1, तो 11.5, यानी कि C की वैल्यू क्या आ गई 11.5, ठीक है। ऐसे ही मेरे माइनस माइनस डी में 100 में से 1 घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 99.5, ठीक है। अब ये आप आउटपुट देख लीजिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए जो मैं आंसर बोल रहा था वो आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यहां तक किसी को डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अभी देखिए आप जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, फिर से बता देता हूँ, ये ऑपरेटर आपको दिख रहा है इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू का साइन शो करता है, जैसे x इक्वल टू 5 लिखा तो 5 की वैल्यू x में साइन हो गई, तो देखिए आप x इक्वल टू 5 दैट मींस कि इस वे की वैल्यू b की वैल्यू a में जा रही है, ठीक है। सिमिलरली प्लस इक्वल टू मैंने आपको i प्लस प्लस दिखाया था, तो i प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं, i प्लस इक्वल टू i प्लस 1, दैट मींस यहां पे देखिए ये एग्जांपल है और इसकी वैल्यू का मतलब होता है ये इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि अभी तक आपने देखा था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मगर अगर कोई आपसे बोल दे कि नहीं यार तुम तो दो वेरिएबल से यूज करके ऐड करके दिखाओ, तो आप इस तरह से कर सकते हो, सिर्फ दो वेरिएबल से आपको इक्वल टू ए प्लस बी, यानी आपने वेरिएबल खराब नहीं किए, ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करवाई, तो ये था इसका सिंपल सा एग्जाम्पल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये एग्जाम्पल देख लिया, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले समझाया था फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए यहाँ पे सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है, इस प्रोग्राम को एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चों खुद से सॉल्व करो।